Yes, good evening, everyone. Good evening, Krishagesh, Khush Rahiye, Sabko very, very good evening. Good evening to all my warriors. Aaj to message box change dikh raha hai. Good evening, Sabko very, very good evening. I'm fine. Kisne class ko kitne baje join kiya hai, sab dikh raha hai. Naya kuch update kiya hai. Good evening. Kaun class kab join kar raha hai? Nisha, Lokesh, Anirvan, Mangalam, good evening. Nikhil, Sabko very, very good evening. Mandeep, 1 hour. Ab is week mein class 1 hour ki hogi. Fir next week se 2 hour ki hogi. Yes, they do. Every time they do something new. कुछ ना कुछ update करते रहते हैं. Descriptive का class ना उन्होंने कुछ rescheduling की है. कुछ problems हो रहे थे. अब descriptive की class Monday से होगी. Monday से. Love you Karanjit, love you. Descriptive की class Monday से होगी. ये मुझे कुछ कुछ बच्चे ना group में दिख रहे हैं. Happiest good evening. ये मुझे एक चीज नया दिख रहा है. कुछ कुछ बच्चे एक तीन एक साथ दिख रहे हैं. कुछ कुछ अलग दिख रहे हैं. कुछ कुछ ग्रुप में दिख रहा है. ग्रुप का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रुप वाले कौन है. अच्छा, जो एक साथ ज्वाइन किए हैं, एक ही टाइम पे ज्वाइन किए हैं वो होंगे शायद. ओके, जो एक ही टाइम पे ज्वाइन किया ना, तीनों को एक साथ डाल दिए. कुछ अपडेट किया है, फिर से फीचर है. खुश रहिए बलराम, खुश रहिए. चलो स्टार्ट किया जाए. फैमिली मेंबर होंगे. अच्छा, आइकॉनिक भी दिख रहे हैं. हाँ, आइकॉनिक का ना अलग से आ रहा है. आइकॉनिक का तो अलग से आ रहा है. रेड रेड आ रहा है. टीना अभी भी आए हैं. अपडेट एक बार अपडेट करना होगा आपको, अपनी तरफ से अपडेट करना होगा. अरे वन वर्ड लिख दिया. वन वर्ड की क्लास सब अलग से होगी. पहले ये सब कर लो, उसके बाद वन वर्ड के पीछे भागना. न्यू वर्ड भी है आज. डीबी कर लिया था ना, डीबी देवी. बेनिफिशियल कर लिया था, एंटी नेगेटरी कर लिया था, परज्योर कर लिया था, ऑफिशियस कर लिया था. परयूज से स्टार्ट करेंगे. चलो आज टेस्ट होगा. टेस्ट 9 बजे से होगा. अरे आज टेस्ट क्यों नहीं लिया? टेस्ट का टाइमिंग 9:00 है. ओके, 9 बजे से है. अच्छा, रिविजन टेस्ट बोल रहे हैं. अच्छा, रिविजन टेस्ट ले लूंगी नेक्स्ट क्लास में. ले लूंगी रिविजन नेक्स्ट, ले लूंगी. पहले तो वर्ड्स फटाफट खत्म करना है. इतना डिजाइन करके इन्होंने भेजा है ना. इन्होंने मैसेज बॉक्स जो नया अपडेट किया, लेकिन बहुत डिस्ट्रैक्शन है इस मैसेज बॉक्स में. बहुत ये इनबॉक्स में ना बहुत डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है मुझे. कभी इधर ये दिख रहा है, टाइमिंग दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है. डिस्ट्रैक्शन है. हाँ, देख रही हूँ ना, बहुत साफ सुथरा मैसेज बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है. बहुत साफ मैसेज बॉक्स क्या होना चाहिए ना, मैसेज बॉक्स से आपके मैसेज बहुत ज्यादा क्लैरिटी में ये बोलना पड़ेगा उन्हें. उन्होंने अपडेट किया है अपने अकॉर्डिंग, बट मैसेज बॉक्स बहुत ज्यादा साफ सुथरा क्लैरिटी में नहीं दिख रहा है. ये टाइम इधर दिख रहा है, मतलब बहुत इधर उधर हो रहा है. बहुत नीट एंड चलो बोलना होगा. मुझे मंडे वाला टेस्ट नहीं दिख रहा है. मेरे टेलीग्राम पे जाना. मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे मैंने मंडे के टेस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहां से चले जाना. चलो स्टार्ट किया जाए. मुझे अपडेट के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. अरे चलो कोई बात नहीं है. चलो बीच बीच में रेड रेड वाले आइकॉनिक वाले बच्चे भी आ रहे हैं. आइकॉनिक, अच्छा लैपटॉप में आया है. हाँ, तो यही हो सकता है. ये बोल रहे हैं अभी तो शाम से किया है ना. 3 बजे वाले बैच में भी नहीं था. 3:30 वाले बैच में भी अपडेट नहीं था. शाम से किया होगा, तो हो सकता है अभी लैपटॉप में हो. थोड़ा वेट कर लो, आप वेट कर लो. क्या है, क्लास करना है आपको. हाँ, कुंदन जीत आइकॉनिक है. सब मुझे आइकॉनिक दिख रहे हैं. चलो वो सब बातें छोड़ो. पवन राव सर 6 बजे कर दिया होगा, उसमें कर दिया होगा. रूट इस बैच में ना सब होगा. पहले ना मुझे समुद्र मंथन पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म करने दो. समुद्र मंथन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ इस बैच में खत्म होगा. पार्ट 1 में पुराने वर्ड्स है, पार्ट 2 में कुछ ऐड हो रहे हैं. और मुझे ये सब करने दो. उसके बाद मैं इडियम्स और वन वर्ड करवाऊंगी. इडियम्स वन वर्ड, उसके बाद रूट वर्ड भी होगा. सब होगा, साफ सब होगा. चुपचाप पढ़ो. ऐसा क्यों किया ना एकेडमी ने, पता नहीं क्या कर दिया. अब मुझे फॉन्ट साइज भी लग रहा है ना बढ़ाना होगा. फॉन्ट साइज भी छोटा छोटा ही दिख रहा है. फॉन्ट साइज भी है. वेरी स्पेशल गुड इवनिंग. चलिए चलिए स्टार्ट किया जाए. ट्विटर पे कैंपेन करेंगे, ट्रेंड करवाएंगे. ओके, परयूज एक आपने ऐसा वर्ड किया था ना, प्री वेरिकेट. जो बच्चे नए हैं यहीं से शुरू करिए. जो क्लास छूट गया है, आपकी छुट्टी है 31st को छुट्टी है. 31st को शाम में आपकी क्लास नहीं है.
आपकी और एक ही दिन छुट्टी है वैसे तो, फर्स्ट और सेकंड को आपकी क्लास होती नहीं, सैटरडे संडे तो क्लास होती नहीं, तो एक दिन की छुट्टी है, मतलब 3 दिन में जो छुट्टा है वो कर लेना। अब प्री वेरिकेट का मतलब क्या बताया था, प्री प्री का मतलब है पहले से वेरीफाई करो, पहले से वेरीफाई कर लो नहीं तो धोखा मिलेगा, चीट करके ले जाएंगे, इसलिए पहले से वेरीफाई कर लो धोखा मिलेगा। और फिर परज्योर भी बताया था, परज्योर मतलब ज्यूरी। अब ज्यूरी ने, उसने गलत एविडेंस दे के ज्यूरी को धोखा दिया, वो धोखा। उसी तरह पर यूज, यूज करने से पहले अच्छे, कोई भी चीज को हम लोग यूज करने के पहले अच्छे से एग्जामिन करते हैं ना, एग्जामिन कर लेते हैं, तो पर यूज का मतलब है। एग्जामिन की हिंदी क्या होती है, अरे आई एम फाइन, आई एम फाइन। एग्जामिन पर यूज करना मतलब जांच पड़ताल कर लेना अच्छे से, ओके जांचना, लिख लो हिंदी में जांचना, हिंदी भी मांगेंगे, जांच करना, जांच पड़ताल करना, क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, क्या जरूरत है टाइम लिखने की। पेरेंट्स थोड़ी पूछ रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट करिएगा कि बच्चे ने कितने टाइम पे क्लास ज्वाइन किया था, पता नहीं क्लास क्यों, टाइमिंग क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं। पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए बताइएगा बच्चा स्कूल कब पहुंचा था। हाँ मुझे फॉन्ट छोटा दिख रहा है, लग शायद हो सकता है कि मुझे फॉन्ट बड़ा करना पड़े। आप लोगों को भी फॉन्ट छोटा दिख रहा है ना, आप लोगों को भी फॉन्ट छोटा दिख रहा है, तब तो बात करनी हो। इतना ऐसे ऐसे चलता रहा तो किसी का कमेंट ही नहीं पढ़ पाऊंगी। कोई मुझसे झूठ ना बोले कि हाँ चलिए। पर यूज का मतलब जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, एग्जामिन तो पता, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करने आता है ना, इंस्पेक्शन, आपके स्कूल में इंस्पेक्टर आते थे इंस्पेक्शन के लिए, तो इंस्पेक्ट हो गया। स्टडी, स्टडी करना, किसी भी चीज का अच्छे से स्टडी करना मतलब एग्जामिन करना, ओके। और आपको फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया, लुक थ्रू करना, रिव्यू करना, आपको रिव्यू के लिए, प्रोब, प्रोब करने का मतलब भी होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल, बाकी सबका मतलब है। प्रोब किया जाता है ना, रिव्यू, अरे आप अपना रिव्यू दो, पहले तो आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ो और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद रिव्यू दो, प्रोब करो। प्रोबिंग का, प्रोब का मतलब भी होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल, ये तो सबको पता है, ये दो वर्ड को याद रखो, बाकी तो सबको पता है। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनी होती है ना, छानबीन हो रही है, स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी में भी छानबीन, जांच पड़ताल, स्क्रूटिनी वर्ड तो सुना होगा, जांच, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल। और लुक ओवर तो पता है, मैंने फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया। अब आपको याद रखो एक और वर्ड, वेड थ्रू, वेट थ्रू का मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना, लुक थ्रू, लुक थ्रू, लुक थ्रू और वेट थ्रू, रेट लो, जो कि मैंने फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है, ओके यू, हाँ एग्जामिन करना, गो थ्रू कर लो एक बार, लुक थ्रू, लुक ओवर, लुक, लेकिन लुक थ्रू तो थोड़ा जल्दी में, लुक थ्रू, लुक ओवर भी कर सकते हो, लुक ओवर भी कर सकते हो, हड़बड़ी में कोई जल्दी, केयरफुली एग्जामिन करना, केयरफुली, हाँ लुक थ्रू, सरसरी नजर से देखना, लुक ओवर अच्छे से एग्जामिन कर देना, लेकिन आ सकता है कुछ भी वर्ड। वेट थ्रू याद रखना, लुक थ्रू का भाई है वेट थ्रू, और ये तो अच्छे से जांच पड़ताल करना याद रखना, और ये है नेग्लेक्ट करना, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा कर दिया, पुट असाइड, मैंने आपको कोई एडवाइस दिया और आपने साइड में रख दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया, अरे मैम का काम है बोलने का, मेरा तो जो मन करेगा वही करूंगी। कंडोन वर्ड याद रखना, कंडोन का मतलब भी होता है कोई भी चीज को ओवरलुक करना, अनदेखा करना, अनदेखा, अनदेखा, कास्ट असाइड। और इसका जब जब एंटेनिम आया है ना, तब तब इसके एंटेनिम में रैटिफाई आया, रैटिफाई, रैटिफाई का मतलब है किसी भी चीज को लागू करना, लागू करना, लागू, और ये तो अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना। कंडोन करना, डिसरिगार्ड करना, किसी के प्रति आपका रिगार्ड नहीं होना, पुट असाइड कर देना। कास्ट असाइड भी बताया, कास्ट, कास्ट असाइड का मतलब भी है अनदेखा कर देना, ठीक है, ये वाला हो गया, ये तो इजी वर्ड था, इसमें कुछ खास नहीं है। कास्ट असाइड, सेट असाइड, सब फ्रेजल वर्ब में आपने किया, अनदेखा कर देना, और इसका इडियम भी होगा जरूर, अनदेखा करने का इडियम होगा, कोल्ड शोल्डर वगैरह होगा इसमें। हाँ किसी को इग्नोर करने को क्या बोलते हैं, ही टर्न अ ब्लाइंड आई। कभी कभी पेरेंट्स अपनी अपने बच्चों की गलतियों के लिए ब्लाइंड आई कर देते हैं, ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाते हैं, अनदेखा कर देना, आंख बंद कर लेना और कान भी बंद कर लेना, बहरा बन जाना। हाँ टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब है आंखों पे पट्टी बांध लेना, इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स। लैग हो रहा है, लैग तो नहीं होना चाहिए, सब चीज ठीक ठाक है। पे नो हीड, हीड का मतलब मैंने बताया था, हीड का मतलब है अटेंशन, कोई अटेंशन पे नहीं करना। गिव अ कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, कोल्ड वर्ड जहां भी आ गया ना, आप मतलब आपको कहीं पे गए और आपको कोल्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने आपको अनदेखा कर दिया, लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया।
अगर आप कहीं पे गए और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बोलते हैं ना अरे उसको तो बहुत वार्म रिस्पॉन्स मिला, उसको वार्म वेलकम मिला, एकदम गर्म जोशी से सबने बहुत अच्छा वेलकम किया, और यहाँ तो ठंडा पानी डाल दिया, कोल्ड कोल्ड। टर्न वंस बैक, किसी को अपना बैक दिखाना, किसी को अपना बैक दिखाना ना, उसको इग्नोर करना। गार्जियन अपने बच्चों को, क्या बोल रहे हो, गार्जियन अपने बच्चों को टर्न वंस बैक ऑन करते हैं, कौन गार्जियन करते हैं, कोई नहीं, गलत चीज करोगे तो इग्नोर करेंगे ही ना, अच्छे चीज के लिए नहीं करते गार्जियन, टर्न ऑन बैक करते, लग रहा है डांट पड़ी है जम के, गलत चीज के लिए तो बहुत अच्छा काम करते, इग्नोर करेंगे। टर्न वंस बैक, पीछ मतलब बैक दिखाना, पीठ दिखाना, इग्नोर करना। लेट समवन ऑफ विथ, लेट ऑफ करना ना, किसी को लेट ऑफ कर देना, लेट ऑफ करना मतलब किसी को ठीक है भाई चलो इसको इग्नोर करो, जाने दो, इसको फॉरगो करो, चलो गलती हो जाती है, लेट ऑफ कर दो, इसको मुक्त करो, फॉरगो करो। हाँ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया, इग्नोर करो, गॉन चला गया, जो चला गया बीत गया है, अब उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो, फॉरगो करो, बीत गई सो बात गई। हाँ, फेयर वेदर, यस कुमकुम, फेयर वेदर टर्न्स देयर बैक ऑन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, यस फेयर वेदर फ्रेंड्स। हाँ, फॉन्ट छोटा है, मुझे भी छोटा ही छोटा दिख रहा है, मुझे भी छोटा ही छोटा दिख रहा है। वॉटर अंडर द ब्रिज, हाँ वॉटर अंडर द ब्रिज का मतलब भी होता है ना, बहुत पास्ट की बातों को, वेरी गुड, देखो बच्चे कितने अच्छे से याद करके रखे। वॉटर अंडर द ब्रिज इसका मतलब भी होता है, जो पास्ट की बात को इग्नोर करो, जो बीत गया सो बीत गया, वेरी गुड। ये वॉटर अंडर द ब्रिज इग्नोर करो, कोई नई बात नहीं है, पास्ट की बातें। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अच्छा जब चिड़िया चुग गई, वो तो वो वाला है ना, दूध उबल के गिर जाए, रोने से कोई फायदा नहीं है। फोन में सब ठीक है, बहुत छोटा कर दिया भाई, बोलना पड़ेगा उन लोगों को फॉन्ट, वो ना डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ना, चिड़िया चुग गई खेत वाला, वो अलग है। तो ब्लाइंड आई अनदेखा, डेफ ईयर अनसुना कर देना, हाँ हीड नहीं देना, कोल्ड रिस्पॉन्स देना, कोल्ड शोल्डर, बैक टर्न वंस बैक। किसी कभी कभी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना, वहां से उठ के चले जाते हो, तो जाते समय पेरेंट्स आपका बैक पोर्शन ही देखते होंगे, इग्नोर कर रहे हो पेरेंट्स को, बात करना होगा, बात करना होगा। नहीं नहीं मैं, मुझे उतना तो दिख जा रहा है, जब आपके साइड में भी फॉन्ट छोटा है ना, तो इसका मतलब है कुछ तो इश्यू है, देख लूंगी मैं बाद में करूंगी, अभी वो सब ड्रामा नहीं, क्यों करूंगी वो सब, अभी पढ़ने का ड्रामा होगा। गॉन, जो गया, लेट गॉन्स बी बेगॉन, गॉन मतलब जो चला गया छोड़ो उसे। और ये तो एग्जामिन करना, मतलब बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, लेंड योर ईयर्स, मुझे अपने कान उधार में दे दो, लेंड योर ईयर्स, अपने कान उधार में देना मतलब कान उसको दे देना, मतलब बातों को ध्यान से सुनना, लेंड मी योर ईयर, ऑल ईयर्स, ये तो कितनी बार आ रहा है, ऑल ईयर्स, कान से क्या करते हो, पूरा कान कान में सुनते हो, बहुत ध्यान से सुनना, केयरफुली, लेंड मी योर ईयर्स, कान ध्यान से सुनना ईयर्स को। टेक स्कॉट, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलता है, कहीं पे फ्लड आ गया था और प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं टू टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मुआयना करना, स्टॉक ऑफ द सिचुएशन मतलब सिचुएशन का स्टॉक करना, मतलब एग्जामिन करना, जायजा लेना, जायजा। ऑन द बॉल भी होता है, वो केयरफुल में डाल दिया है, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं। मैंने अपना फॉन्ट कुछ ज्यादा ही फॉन्ट, मैंने अपना फॉन्ट बढ़ा लिया, लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया, रुको कम करना होगा, 100 में कर, अब दिख रहा है मुझे, मैंने 100 कर लिया, बढ़ा लिया, बढ़ा लिया, मेरा फॉन्ट साइज बढ़ गया इधर। ओके, और कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब है किसी पे नजर रखना, ठीक है, किसी पे नजर रखना। ओके, टू कीप अ वेदर आई ऑन, वेदर आई ऑन या आई ऑन दोनों का मतलब होता, नहीं नहीं 125 में बहुत हो जाए, जितना मुझे दिखना चाहिए मैंने उतना अपना कर लिया, आप लोग ना उसकी चिंता मत करो, मैंने मेरे मुझे सब दिख रहा है, ठीक है, मेरी चिंता नहीं करने की है, सब सब मैंने अपना कर लिया, तो ये सब चीज का ध्यान रखना कि ऑल ईयर में अपना कान दो, अपना कान दो मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कीप एन आई, किसी पर नजर रखना, आई ऑन या वेदर आई ऑन दोनों का मतलब है नजर, सिचुएशन का जायजा लेना, एग्जामिन करना, examine, examine, take stock of the situation, थोड़ा सा शुरू शुरू में कोई भी अपडेट आता है ना तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आर्गस आई होना, एकदम नजर, विजिलेंट रहना, नजर रखना, मुझसे बच नहीं सकते हो, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, कीपिंग एन आई ऑन यू मतलब तुम पे नजर रखा है, लुक आउट करना। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव वर्ड को कैसे याद रखोगे,
पुनीटिव, पुनीटिव वर्ड कुछ लग रहा है जैसे पनिशमेंट होता है ना, पुनीत, पुनीत, अच्छा पुनीत से याद रखोगे, पुनीत को पनिशमेंट मिला, या प्यूनी, या पनिशमेंट का भी तो स्पेलिंग यही होता है ना, प्यूनिटिव, पनिशमेंट, पनिशमेंट, दंड, प्यूनिटिव का मतलब है दंडनीय वाला, पीनल, पीनल कोड से भी याद, पुनीत, पुनीत को पनिशमेंट मिला, प्यून को पनिशमेंट मिला, दंडात्मक, वही है दंडात्मक, नीट नहीं निकला तो पनिशमेंट मिला, कहाँ जा रहा है इनका नीट दिख रहा है, ये नीट नीट दिख रहा है, इंडियन पीनल कोड आईपीसी होता है, आईपीसी तो सुना होगा टीवी पे, इंडियन पीनल कोड के तहत उसे फांसी दी जाती है, फांसी की सजा, तो प्यूनिटिव का मतलब है पनिशमेंट, 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 पनिशमेंट से हो जाएगा भाई, प्यूनिटिव याद रहो, दंडनीय, दंडात्मक वही वाला, पीनल तो सबको पता है, इंडियन पीनल कोड के तहत उसको पनिशमेंट मिला, रिवेंज, रिवेंज का मतलब भी बदला लेना, बदला लेके सामने वाले को पनिश कर रहे हो ना, अब ये वर्ड याद रखो, अगर आपने ये काम किया तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, अब बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कोई दंड पनिशमेंट दिया जाएगा, अब कई बच्चे ना इस डिसिप्लिनरी को जोड़ने की कोशिश करेंगे डिसिप्लिन से, अनुशासन से, बट ये डिसिप्लिनरी और डिसिप्लिन का कोई लेना देना नहीं है, दोनों सब अलग वर्ड है, डिसिप्लिन याद रखना, वो डिसिप्लिन में नहीं रहता था इसलिए टीचर ने उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, दंड दिया, दंड, दंड, अनुशासनात्मक कार्यवाही वही है, क्या बोल रहे हो कि इस नए अपडेट में हम स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट का कमेंट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको एक दूसरे का दिख रहा है, हाँ फेस नहीं देख पाओगे, सिर्फ कमेंट ही देख पाओगे, दिख रहा है, हाँ सब पहले जैसा है, बस थोड़ा सा बदला है, सब पहले जैसा दिख रहा है, पता नहीं कमेंट देखकर क्या करना, हिंदी में लिख दिया करो, हिंदी में आप लिखोगे दंडात्मक है, मैं क्यों लिखूंगी, आप लिखो हिंदी में, दंडात्मक वर्ड लिखा है मैंने, आप लिखो हिंदी में, प्यूनिटिव मतलब दंडनीय है, दंडात्मक जो वर्ड है, मैं क्यों लिखूंगी, आप अपने से लिखो, दंडनीय है, पीनल, पीनल का मतलब ही पनिशमेंट, और याद रखना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, मतलब आपको आपको पनिश किया जाएगा, आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, अच्छा मैंने पहले वाले बैच में ऐसा कुछ पढ़ाया था, एक रेट्रीब्यूशन है, दंड और दंडनीय, दंड नाउन होता है, दंडनीय ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है अगर दंडात्मक, दंडात्मक ऑप्शन में नहीं आने वाला है, जो हिंदी में लिख दूंगा ऐसा थोड़ी है कि दंडात्मक आ जाएगा ऑप्शन में, रेट्रीब्यूशन या रेट्रीब्यूटिव, बात तो दोनों सेम ही है, आईवीई वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ये वाले वर्ड नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, ओके लिखो ना, क्या है दंडात्मक लिखो, अब दंडनीय है ये ना, जानबूझकर बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ है, दंडनीय है, दंडात्मक तो कुछ लिखो इसको, सही है, आप ही लोग का देख के लिखा है मैंने, रेट्रीब्यूशन वर्ड कैसे याद रखोगे, रेट्रीब्यूशन, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट से याद रखो, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट, उसने रिस्पेक्ट, री मतलब पुनः, उसने पुनः ट्रिब्यूट नहीं दिया, पुनः रिस्पेक्ट नहीं दिया इसलिए उसको पनिशमेंट मिला, ट्रिब्यूट नहीं दिया मतलब पनिशमेंट मिला, और ऐसे भी याद कर सकते हो, और एक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होता है ना, वेरी गुड, इसको दो तरीके से याद करो, ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब है श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट देना, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया इसलिए उसको दंड मिला, और एक ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होता है, TRIBUNAL, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट लगाया जाता है ना, पनिश किया जाता है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वेरी गुड, कामोपेंस, कामोपेंस का मतलब है, इसका मतलब भी होता है, कामोपेंस का मतलब भी होता है ना, पनिशमेंट देना, पनिशमेंट देना, कम 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 अप, ऊपर आओ मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ, ऊपर आओ तो तुम्हें बताती हूँ मैं, ऊपर आओ पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे हमने याद किया था, कम, पेरेंट्स बोलते हैं ना नीचे से बात मत करो, एक बार कम कम, और एक बच्चे बोले थे मैम यूपी के, यूपी से भी जोड़ रहे थे, एक बार मुझे याद है पिछले बार, यूपी आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, आई थिंक वो वाला है, मुझे लग रहा था कि अभी ये रिसेंटली उसमें मैं देख रही थी ये वर्ड आया था, मैराथन जो चल रहा था उसमें, हाँ तो बच्चे ऐसे जोड़ रहे थे, यूपी, यूपी आओ तुम्हें बताता हूँ, यूपी में पनिशमेंट देंगे, या कम अप, ऊपर आओ तुम्हें बताती हूँ मैं, पनिशमेंट कर रही हूँ, आओ यूपी बताते हैं, बचपन में ऐसा ही होता था, बचपन में टीचर, टीचर भी मदर ही बोलते थे, ऊपर आओ उसके बाद बता रही हूँ,
कम्यूपेंस का मतलब भी होता है, और ट्रिब्यूनल कोर्ट वाला याद रखना, ये तो बहुत अच्छे से याद रखोगे। ट्रिब्यूनल कोर्ट बताया जाता है पनिशमेंट के लिए, तो यही है रेट्रीब्यूटिव। माँ मारती है, फिर रोने पे चुप कराने के लिए भी मारती है। मदर मदर होती है, मदर मदर होती है, नो सब्स्टिट्यूट, नो, अनपैरेलल्ड है, अनपैरेलल्ड। अभी मेरी मेरी मदर मदर होती है, माई मदर ऑल्सो। अभी कोई आ रहा था जमशेदपुर से, झारखंड से, उन्हें कोई ऐसे ऐसे चीजें खाने के लिए भिजवाया ना जो दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में भर भर के मिलता है। हाँ सत्तू तो आ गया, मैं सत्तू तो मांगा था मैंने 2 kg, तो उसका इंतजाम तो हो गया, अभी चल जाएगा 1 साल, 1 साल तो वो चला गया। लेकिन और भी कुछ ऐसे ऐसे चीजें है ना, तो यू विल, वो सब दिल्ली में मिलता है, बट दिस इज मदरली लव, मदरली लव, तो देसी हॉर्लिक्स है। हाँ चलो, ये सब रेट्रीब्यूटिव। रिटेलिएटरी किसको बोलते हैं? रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब है पलट कर वार करना, पलट कर जवाब देना, जवाब से वार करना या पनिशमेंट से, पलट वार करना। सत्तू बनवा के रखे हैं, पता नहीं कब एग्जाम निकालेंगे। रिटेलिएट करना, पलट कर वार करना, किसी को आप पलट कर वार कर रहे हो मतलब क्या है? पनिशमेंट दे रहे हो, पनिशमेंट, रिवेंज ले रहे हो, रिवेंज। हाँ मैं सब बनाती हूँ, न्यू ईयर में मैंने डिसाइड किया है, फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं है ना, उस दिन लिट्टी बनेगी, फ्राइडे को एकदम फ्री रहूंगी, सैटरडे भी कोई क्लास नहीं है, संडे भी कोई क्लास नहीं है, सब होगा उस दिन। तो ये सब याद रखना, प्यूनिटिव वर्ड को एकदम कंफ्यूज नहीं होना, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट, प्यूनी, प्यूनी पनिशमेंट है, ओके, पनिशमेंट वर्ड से, पिनल कोड से, इंडियन पिनल कोड, पनिशिंग, रिवेंज, बदला लेना, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे ना तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और ट्रिब्यूनल कोर्ट से याद रखना, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट बैठाया जाता है पनिशमेंट के लिए, या ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट नहीं दोगे। रिटेलिएट, रिटेलिएट कैसे करोगे? उसने ताली नहीं बजाया, रिटेलिएट, उसने ताली, अब कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग क्लैप करते हैं ना किसी को तारीफ करने के लिए, उसने ताली नहीं, सबने ताली बजाया, उसने ताली नहीं बजा बजाया उसके परफॉर्मेंस में, बाद में उसको पनिशमेंट मिला, ताली लेट से बजाया, पनिशमेंट मिला। लिट्टी क्या होती है? वो सब हम जूम मीटिंग में करेंगे, मैं आपको, हाँ उसका वो सब भेज दूंगी, लिट्टी क्या होती है ये तो बिहार वाले जानते हैं, लिट्टी क्या होती है, लिट्टी इज देयर इमोशन, बिहार वालों का ना लिट्टी उनका इमोशन होता है, यही है। ये तो हो गया आपका पनिशमेंट, पनिशमेंट हो गया, ठीक है, पनिशमेंट हो गया। और ये है किसी को माफ कर देना, अभी मैंने कंडोन वर्ड करवाया ना, किसी को कंडोन कर देना मतलब इग्नोर कर देना, इग्नोर करके माफ कर देना, भाई इसको जाने दो, छोड़ो, छोटी गलती पे उसको माफ कर दो, माफ कर दिया। रिवॉर्ड करना, ठीक है, माफी देके उसको रिवॉर्ड करना। पार्डनिंग, पार्डन का दो मतलब होता है, आई बेग योर पार्डन, एक पार्डन, अगर आपने, अगर मैंने कुछ बोला और आपको नहीं सुन पाए तो आप बोलोगे ना मैम पार्डन प्लीज, पार्डन, एक पार्डन का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, रिपीट करना। और एक किसी को पार्डन, किसी को पार्डनेबल ऑफेंस सुना होगा ना, पार्डनेबल ऑफेंस, वो ऑफेंस जिसको माफी मिल जाती है, ऑफेंस, माफ 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 कर देना, माफी वाली, पार्डनेबल। एब्जॉल्व, एक तो है अक्विट, क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, उसी तरह एब्जॉल्व, अब सॉल्व हो गया, अब केस सॉल्व हो गया है, वो दोषी नहीं है, उसको पनिशमेंट, अब प्रॉपरली केस सॉल्व हो गया, दोषी नहीं है, उसको मुक्त करो, किसी को मुक्त करना। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व करना, अक्विट करना, ये भी है, एक्सकल्पेट, उस दिन कहीं पे मैं मेंस में करवा रही थी, एक्सकल्पेट। और एक होता है इनकल्पेट, ठीक है, कल्पेट वर्ड को याद रखो, कल्प्रिट, हाँ, विनियल, विनाइल भी याद रखना, वीई, इसका मतलब भी है माफ करना, VENIAL, और इसका मतलब क्या होता है, एक विनाल, ये जो है इसका मतलब, एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब होता है जो लोग बहुत करप्ट होते हैं, VENAL, ये करप्ट है, करप्ट, करप्ट। और ये वाला विनल का मतलब होता है माफ कर देना, माफ कर देना। चलो पहले इसको देखते हैं, कल्प वर्ड का मतलब है, कल्प वर्ड से बना है कल्प्रिट, कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, ओके। एक्स मतलब मुक्त कर देना, बाहर कर देना, तो एक्स कल्प्रिट मतलब उसको दोष मुक्त करना, ओके, कल्प वर्ड है ना, दोषी, एक्स मतलब उसको बाहर कर दिया क्योंकि वो दोषी नहीं था, और इसको तो जेल के अंदर ले लिया गया, ये मतलब ये दोषी था, तो इनकल्पेट मतलब वो अक्यूज के सेंस में,
ठीक है, वो अलग वर्ड है। एक वर्ड होता है इनकलकेट। चलो बताओ, इनकलकेट, आपको अच्छे हैबिट्स इनकलकेट करने चाहिए, अपने अंदर अच्छे हैबिट्स डेवलप करना चाहिए, कोई भी हैबिट्स वगैरह डेवलप करना, एडवांस करना, डेवलप करना। ये या वो कल है, इसमें कल्प है, कल्प। ये वर्ड ही बना है कल्प से। कल्प का मतलब होता है ना कल्प्रिट, दोषी। तो एक्स मतलब बाहर कर दिया, मतलब वो दोषमुक्त कर दिया, और इन मतलब जेल के अंदर ले लिया, पनिशमेंट दिया, पनिशमेंट। देखो ये सब ये कहाँ से भेज दिया भाई, बहुत गलत बात है कि आपके लिए भेजा है। देखो कुछ कुछ घी डाल दिया है, लिट्टी चोखा भेज दिया। देखो भाई रजतिया ही है, इमोशंस है बिहार का, माउथ वाटरिंग है, लिट्टी है, ये चोखा है, ये घी है, चटनी है। वाह कैसे बनता है, डाउट वाला। देखो मैम डाउट वाला बोल रहे हैं। एक्सकल्पेट का मतलब भी है मुक्त करना, ठीक है। एक्स को, अपने एक्स को दोष मुक्त कर दिया, एक्सोनेरेट। एक्स एक्स यहाँ भी एक्स है, एक्स का मतलब है मुक्त करना, बाहर करना है। ये विनियल कैसे याद रखोगे, ये वर्ड कैसे याद रखोगे? ये विनियल का मतलब भी होता है एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज कर देना, किसी को माफ कर देना। कैसे याद रखोगे? ऑयल नहीं की है, सब उसी में खो गए हैं। वेन से, वेन से क्या याद रखोगे? वेन, वेन मैम कैसे याद रखोगे? वीर को माफ कर दिया। अच्छा विनाइल, 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 विनाइल वर्ड किस कैसे किसे हो याद हो रहा है? वीनस से, वीना को माफ कर दिया। विट्रॉयल, विट्रॉयल से कहाँ याद हो रहा है? वेन ब्लड को बाहर करता है, और ब्लड को वेन माफ कर देता है। वनीला से याद रखेंगे। अच्छा विनाइल, वनीला आइसक्रीम दिया तो उसको माफ कर दिया, वैन से माफ कर दिया, फिनाइल से साफ कर दिया। अच्छा विनाइल, वेनियल, माफ माफ कर देना है, डिनाइल, डिनाइल मना कर दिया है, वनीला खाने के बाद उसने माफ कर दिया। चलो ठीक है। और ये सब, तो ये सब वर्ड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दो तीन वर्ड याद रखना। एक है एक्सकल्पेट, कल्पेट मतलब दोषी, दोषी करार नहीं दिया, उसको रिहा कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया। एब्जॉल्व वर्ड याद रखना, एक्सकल्पेट, एब्जॉल्व। अब केस सॉल्व हो गया और उसको दोषमुक्त कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया, एब्जॉल्वेट कर दिया गया, अक्विट मतलब बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया, एक्स एक्स को एक्सोनेरेट, जैसे एक्सकल्पेट है ना, एक्सोनेरेट, माफ कर दिया गया। चोखा को, ये उसने दूसरा टाइप का चोखा बनाया है, उसको और भी मैश कर देना है थोड़ा, उसीलिए चोखा ढूंढ रहे हैं बच्चे, वो दूसरा कुछ है। टमाटर है राजस्थान में ना, राजस्थान में ऐसा ही होता है, दाल बाटी। तो दाल बाटी जो होता है ना, राजस्थान की जो बाटी होती है ना, उसके अंदर दाल बाटी चूरमा, तो उसके अंदर ना वो हॉलो होता है, कुछ स्टफिंग नहीं होता, बट बिहार में उसके अंदर सत्तू भरा होता है, वही अलग अलग है दाल बाटी। तो आ जाओ ऑब्लिटरेट, सत्तू क्या होता है बाद में बताया जाएगा, चलो पहले अभी ध्यान दो। ऑब्लिटरेट, पाउडर्ड, पाउडर्ड चना, पाउडर्ड ग्राम। ऑब्लिटरेट वर्ड कैसे याद रखोगे? ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है ना ऑब। ऑब वाले तो वर्ड नेगेटिव ही जाता है जनरली, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल। ये देखो तिल, लड्डू, नारियो, नारो एंड बोका, सॉल, क्या क्या लिख रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड होता है ना, उसी तरह ऑब नेगेटिव है। तो लिटरेट कैसे याद करोगे? अब लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, उसने उसने पढ़े लिटरेट लोग को का नामो निशान मिटा दिया। अरे भाई वो सब छोड़िए, अब वो सब बात नहीं करना है, अब वो सब बात नहीं करना, अभी सब पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब है ना तबाह कर देना, एकदम डिमोलिश कर देना। आप मुझे और भी बताइए, लिटरेट लोग, आजकल तो लिटरेट पढ़े लिखे लोग हटा ही दिया उसने, उसने बहुत सारे सत्ता में देखते हो पढ़े लिखे लोग को हटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि पढ़े लिखे लोग उसके चाल को समझ जाएंगे, जो लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग।
पढ़े लिखे लोग उसके जो चाल चल रहा है ना उसको समझ जाएंगे, उसीलिए जितने भी उसके दरबार में पढ़े लिखे लोग थे उसको हटा दिया। अरे बाबा पीछे ही पड़ गए हैं, उबाल कर खत्म कर दिया। उबाल, अच्छा उबाल कर खत्म कर दिया है, लिटर बंद है, पढ़े लिखे लोग सब मिट गए हैं। पढ़े ऑब्जेक्शन, लिटरेचर, लिटरेचर लगा दो, लिटरेचर, उसने उसके लिटरेचर को तबाह कर दिया, लिटरेचर हटा दिया गया, लिटरेचर का नामो निशान हटा दिया है। एसएससी में क्या है, एसएससी में लिटरेचर हटा दिया गया है, लैंग्वेज आता है सिर्फ, हो गया हो गया। कोई लिट्टी चोखा नहीं भेजेगा, लिटरेट नहीं है कोई, बर्बाद हो गया है। अच्छा लिटरेट लोग के ना होने के वजह से सब बर्बाद हो गए हैं, लिटिल ग्रुप की वजह से। राहुल गांधी की हत्या हुई थी किसकी, अच्छा राजीव, राहुल गांधी लिखा है या राजीव गांधी, मैंने देखा नहीं। लिट्टे, एलटीटी ना, एलटीटी, हाँ लिट्टे, एलटीटी, लिट्टे, अच्छा राजीव गांधी, राजीव गांधी है। एलटीटी का फुल फॉर्म क्या है, एलटीटी का फुल फॉर्म, लोकमान्य तिलक, अच्छा एलटीटी का फुल फॉर्म बताना। हाँ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, हाँ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं सब। ऑब्लिटरेट, तो जैसे भी याद कर लो, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान। ये जहां पे लिब, जहां पे ऐसे याद करो, जहां पे लिटरेट लोग होते हैं ना, जहां पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से वहां पे पढ़े लिखे, गरीबी का नामो निशान नहीं रहता है, लोग पढ़े लिखे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। ओके ऐसे 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 याद करो, ऑब्लिटरेट मतलब लिटरेट वर्ड इसमें से निकालो, लिटरेट का मतलब है पढ़े लिखे लोग, जहां पे पढ़े लिखे और लोग रहेंगे वहां गरीबी का नामो निशान हट जाएगा, मिटा मिट जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, वाइप आउट, गरीबी डिमोलिश, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, ठीक है, वाइप आउट। अब ये याद रखना, ये आपके एरर में आएगा। ओके वी शुड वाइप आउट, वी शुड वाइप आउट द टीयर्स ऑफ दोज इन डिस्ट्रेस, जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, जो लोग बहुत दुखी है, निराश है, उनके आंसू को वाइप आउट नहीं करते हैं, उनके आंसू को हम क्या करते हैं, वाइप अवे करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब में आपको पढ़ाया हुआ है, वाइप अवे का मतलब होता है पोछना, आंसू वगैरह को वाइप अवे करते हैं, वाइप अवे द टीयर्स, ओके वाइप अवे। लेकिन वाइप आउट का मतलब होता है वाइप आउट, पूरा नामो निशान मिटा देना, तबाह कर देना, उसका धरती से नामो निशान हटा देना, वाइप आउट कर देना, खात्मा कर देना। हाँ तो वाइप आउट, एक्सपंज, एक्सपंज तो सबने, उसने एक्स को, अपने एक्स को एक पंच लगाकर अपनी लाइफ से खत्म कर दिया, ऐसा याद किया था ना, गायब कर दिया अपने एक्स को, एक पंच, एक घूसा, एक पंच लगाकर लाइफ से बाहर कर दिया, एक, ये तो सबको पता है। और वॉश आउट तो पता है, वॉश आउट है तबाह कर देना। एन ही लेट कैसे करवाया था, एन ही लेट ऐसा बताया था ना, एनी 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 अपने डेट पर लेट से आई, ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने। एनी, एनी एक लड़की है, वो अपने डेट पर लेट से आई और सारा रिलेशन खत्म कर दिया, डेट, अपने डेट पे लेट के आने से, आने की वजह से ना सारा उन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय, सब खत्म कर दिया डेट पे लेट से आके। एनी लेट का मतलब ये तबाह करना। और ऐसा भी याद कर सकते हो, ओके ये जो नीही वर्ड है ना, नीही, नीही का मतलब ही होता है, नीही का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन के सेंस में, नीही रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है डिस्ट्रॉय। हाँ एनी डेट पर लेट से आई है, ब्रेकअप हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, रिलेशन खत्म हो गया। नीही, नीही का मतलब ही होता है तबाह कर देना। एनी हिल से नीचे गिर गई है, अच्छा एनी, एनी हिल से नीचे गिर गई है और खत्म हो गई है। एनी, अनु लेट से नहीं आई है ना, वो तो तनु आई है, तनु थोड़ा कम खाती है, अटेनुएट, अटेनुएट, वो तो तनु तुम क्यों कम कम खाती हो, तनु यू हैव बिकम वीक। एनी लेट, एनी लेट, एनी लेट से आई। डिमोलिश तो पता है, बाबरी मस्जिद और वो सब सुना होगा, डिमोलिश। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है ना, एंड करना, टर्मिनेट, आपको ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया गया, एंड कर दिया गया, डिस्ट्रॉय मतलब अब आपका खत्म, सर्विसेज खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय पता है। और एक्सटर्पेट तो बताया है, एक्सटर्पेट ये कैसे पढ़ा है, एक्सटर्पेट, एक्स्ट्रा, जिम जाकर एक्स्ट्रा पेट को रिमूव करना होगा, हटाना, रिमूव करना एक्स्ट्रा पेट,
याद हो जाता है, थोड़ा सा रिवाइज करना होता है, याद हो जाता है। एक्स्ट्रा पेट जैसे आप लोग बोलते हैं निमोनिक, कुछ कुछ का तो एकदम याद रह जाता है। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट को हटाना है, रिमूव करना है, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि हर जगह रैवेज, रैवेज को रैवेज, जैसे भी जैसे ये वर्ड दिखता है ना, RAVA वर्ड दिखता है ना, तो इसमें तुरंत रावण की याद आती है। रावण, 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 रावण ने क्या किया है, सीता जी की कुटिया एकदम बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, रावण ने पूरा रैवेज कर दिया। सैवेज भी बोल सकते हैं, लेकिन सैवेज का मीनिंग पता होना चाहिए ना, सैवेज अनसिविलाइज लोग सब चीज को तबाह कर देते हैं। नौ बजे मैं क्लास खत्म करूंगी, आराम से जाके आज आप टेस्ट दे सकते हो, आज आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। वॉश आउट कर देना, वॉश आउट, वॉश आउट, एक्स्ट्रा पेट। रूट आउट, रूट आउट का मतलब है जड़ से उखाड़ देना, रूट को आउट, जड़ से उखाड़ देना। रेज, रेज को याद कर लो, इरेज, इरेजर होता है ना पेंसिल में, इरेजर से क्या करते हो, इरेजर से इरेज करते हो, साफ करते हो, नामो निशान हटा देना, इरेज कर देना। अबॉलिश तो पता है, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया है, सती प्रथा का नामो निशान हटा दिया गया है, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है। इरेडिकेट का मतलब भी पता है, इरेडिकेट का मतलब भी है पूरी तरह से रिमूव कर देना, रिमूव, रिमूव, इंग्लिश है, इंग्लिश का टेस्ट। अगर बिना निमोनिक्स के याद हो जाते हैं, मैं तो सबको लेके चल रही हूँ ना, सबको लेके, बिना निमोनिक्स के याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। अब आपके दिमाग में जिन बच्चों को याद हो जा रहा है, मैं तो सबको लेके चल रही हूँ, अगर अगर जिन बच्चों को याद नहीं होता, और ये एक्स्टर पेट आ गया, एक्स्टर पेट, एक्स्टर पेट तो उनके दिमाग में आएगा ना, एक्स्टर, एक्स्टर वर्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेट, ये जो एक्स्ट्रा पेट है ना, जिम जाकर, जिम जाकर ये एक्स्ट्रा पेट को रिमूव करो, ये एक्स्ट्रा पेट का नामो निशान हटाओ, रिमूव करो, वॉश आउट करो, हटाओ, हटाओ, तो ये सब आप कर सकते हो, ये आप बोल सकते हो। और इसको डिस्ट्रॉय तो सबको पता है, और बाबरी मस्जिद और वो सब वाला केस में डिमोलिश, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, ओके, बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, ये सब वर्ड को तो याद नहीं करना है ना। वाइप आउट पता है, वाइप आउट करना मतलब पोछ, वाइप अवे का मतलब पोछना, वाइप आउट, आउट कर देना, नामो निशान मिटा देना। अब एक्सपंज वर्ड आ गया, ये अक्सर आता है, एक्सपंज, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर लाइफ से अलग कर लिया। एनी, एनी लेट से आई और सारा डेट को बर्बाद कर दिया, एनी हिल से गिर गई। और टर्मिनेशन लेटर, टर्मिनेशन मतलब एकदम खत्म, आपका अब एक्सटर्मिनेट, नामो निशान, कंपनी से आपका नामो निशान खत्म हो गया है। और हाँ, वेरी गुड सुदामा, वेरी गुड, पुल डाउन, द बिल्डिंग वॉज पुल डाउन, वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा लगता है मुझे फ्रेजल वर्ब का जब आप लोग यूज करते हो, बिल्डिंग को पुल डाउन किया गया, पुल डाउन मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वेरी गुड, वेरी गुड। और रैवेज, रैवेज वर्ड देखते साथ, अच्छा आपको रैवेज वर्ड आ गया, मुझे तो रैवेज देखते साथ रावण याद आ जाता है, RAVAN, रावण, रावण ने डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो आपको देख के क्या याद आएगा, नहीं चलो बताओ और क्या क्या वर्ड हो सकता है। अरे टेस्ट ना अन अकेडमी पे होता है, मेरे स्पेशल क्लास में भी नहीं, अन अकेडमी का एक लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, वो लिंक डाला हुआ है, वहां पे होता है। रैवेज, गार्बेज हटाओ, अच्छा रैवेज, रैवेजेस ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्शंस, सैवेज भी तो याद होना चाहिए, सैवेज का मतलब है असभ्य लोग, असभ्य लोग सब चीज को नामो निशान मिटा देते, तबाह कर देते। रवि का एग्जाम क्या है, रवि का एग्जाम देने का एज खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, रवि का एग्जाम देने का एज खत्म नहीं हो गया, बर्बाद हुआ है, टेस्ट में, टेस्ट के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना। रूट आउट करना, जड़ से खत्म कर देना। इरेजर, रेजर होता है ना, रेजर है ना, बोलो लोग सब लोग रेजर से दाढ़ी हटाते हो ना, अपने दाढ़ी का नामो निशान हटा देते हो रेजर से, तो रेजर है। अबॉलिश तो पता है, खत्म कर देना, इरेडिकेट, नामो निशान खत्म कर देना। यस रजत, राम शैकल, राम जी ने शकल बिगाड़ दिया उसका, राम, राम नहीं होगा, राम शैकल, राम जी ने, राम, राम जी ने उसकी शक्ल बिगाड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया राम जी ने, डिस्ट्रॉय, खत्म करना। चलो ये वर्ड हो गया खत्म करना, अब एक नया वर्ड भी करना, अभी मेरे पास 10 मिनट टाइम है, नया वर्ड भी करना है। राम जी ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी, ये तो खत्म करना, और खत्म करने का क्या होगा, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, रिवाइव, किसी चीज में पुनः जान डालना, बिल्ड करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को डेवलप करना, ये तो इजी है, ये तो इजी है, ओके। अब इसका इडियम है, अबॉलिश करना मतलब पुट एन एंड टू, किसी चीज का खात्मा करना। ब्लो आउट ऑफ द वॉटर, ब्लो आउट ऑफ द वॉटर का मतलब भी है नामो निशान उठा देना। हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। गिव समवन द सैक, अब गिव समवन द सैक,
या किसी को बूट देना, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ना डिसमिस करना, डिसमिस के सेंस में हो, जॉब से निकाल देना, गिव समवन द सैक। ये देखो ये वर्ड एक है, टू गिव समवन वॉकिंग पेपर्स, किसी को वॉकिंग पेपर्स देना। बेचारा वो आया वॉक करते करते और उसने पेपर थमा दिया, अब चलो जाओ आप तुम्हारा नौकरी का लास्ट दिन। टू गिव समवन बूट देना, टू गिव समवन सैक देना, बोरी दे देना, बूट दे देना कि भाई अब जाओ अब तुम्हारा खत्म, फायर पिंक स्लिप दे देना, फायर कर देना नौकरी से वही वाला। गिव समवन वॉकिंग पेपर्स, रिड्यूस राख में बदल देना, एशेज मतलब राख, राख में बदल देना, नामो निशान कर देना, खत्म कर देना, गुलाबी पर्ची देना। और ये तो डेवलप होना, डेवलप होना टू राइज लाइक अ फीनिक्स बोलते हैं ना, जब कोई भी चीज राख से फिर से किसी को नया जन्म मिलता है तो उसको बोलते हैं टू राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स का मतलब होता है एक नया लाइफ। हाँ फीनिक्स बैच भी आया था ना एक बीच में, फीनिक्स एकदम नई एनर्जी के साथ फिर से काम करना, ब्रीद लाइफ टू किसी में जान डालना, टर्न द कॉर्नर, पूरा टर्न द कॉर्नर, उसने पूरा उलटफेट करके फिर से चीजों को डेवलप किया। फीनिक्स आश्रम बाय महात्मा गांधी, ओके। तो ये तो हमारा फिनिक्स एक वर्ड है, ये तो हमारा ये वाला वर्ड है। आज चलो एक नया वर्ड भी कर लेते हैं, वो काम उपन्स वर्ड भी है, देखते हैं इस वीक में आपका एक टेस्ट लेना जरूरी है। ये सारा आपको मिला हुआ है, अब मैं क्या करूंगी ना, एक मिनट एक मिनट। हाँ फिनिक्स इज अ वर्ड इन चाइनीज माइथोलॉजी। सीज, इस बार मुझे बहुत सारे सीज के वर्ड्स दिखे एग्जाम में, ठीक है, उसके एंटोनिम, एक मिनट पहले ये देख लो, पहले ये देख लो, सीज, इस बार मुझे सीज के बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिले, ठीक है, सीज वर्ड के। सीज का मतलब होता है ना जब्त करना, कब्जा करना, जब्त करना लिखो, कब्जा करना, हाँ कब्जा करना, सीज करना, जब्त करना, अदा बहुत होता है ना, जब्त वही वाला है, पता नहीं क्या है, रुको अभी, जब्त करना, सीज। सबसे पहले तो ये याद रखोगे, ये देखो एक तो ये सीज होता है और एक ये सीज होता है, ये सीज और एक ये सीज, ये सीज का मतलब है स्टॉप। सीज फायर, सीज पावर मतलब, सीज फायर मतलब कोई भी चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है, और ये सीज का मतलब होता है ना जब्त करना, जब्त, वही वाला है मोहित, जब्त करना किसी चीज पे, सीज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एक वर्ड डाल लो, कॉन्फिस्केट। सीज फायर होता है ना जब गोलीबारी बंद हो जाती है तो सीज फायर लगा देते हैं। ड्रेपर का एंटोनिम करवा दूंगी, कॉन्फिस्केट को कैसे याद रखोगे, कौन, कौन फीस खा गया, कौन फीस नहीं दिया, कौन, कौन फीस नहीं दिया, जो फीस नहीं देगा ना उसका उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा, सारा सामान सीज कर लिया जाएगा, कौन, कौन फीस नहीं दिया, सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा, ये तो याद रखोगे। एक मिनट पहले यहां से शुरू कर, तो ग्रैब, ग्रैब बोलते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब मौके को, मौके का कब्जा करो, मतलब मौके को अपने हाथ में ले लो, ठीक है, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, अपने हाथ में लीजिए, मतलब अपने अपने काबू में करिए, कोई भी अवसर है ना उसको अपने हाथ में ले लीजिए और उसका फायदा उठाइए, ये तो ग्रैब हो गया। स्नैच तो पता है, स्नैच का मतलब ये जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन लेना, ओके, सीज कर, छीन कर अपने कब्जे में ले लेना, ये तो पता है, ये भी पता है, एक मिनट बताती हूँ। ग्रिप, ग्रिप का मतलब पता है, अब तुम मेरे ग्रिप में हो, अब तुम मेरे कब्जे में हो, ग्रिप, ग्रिप होता है ना पकड़, जिसको हम पकड़ बोलते हैं, पकड़, टाइटली, ग्रिप, ठीक है, अब तुम मेरे पकड़ में हो, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो, ठीक है। कैप्चर भी पता है आपको, कैप्चर भी पता है, कॉन्कर का मतलब भी जीत कर कब्जा कर लेना, ये सब तो पता ही है। अब देखो एक और वर्ड लिख लो, इसमें फोरफीट, फोरफीट भी होता है, फोरफीट का मतलब भी होता है जब्त करना, ठीक है, शेयर वगैरह मतलब एज अ पेनल्टी शेयर वगैरह को जब्त कर लिया जाता है, शेयर फोरफीट होते हैं, हाँ फोरफीट, फोरफीटेड शेयर्स। अब देखो क्लच, लड़कियों को पता है, लड़कियों को, गर्ल्स, क्लच क्या होता है, लड़कियों को पता है क्या होता है, चलो बताना, क्लच, लड़के को तो पता ही होगा क्या क्या होता है, क्लचर भी होता है, एक क्लचर होता है, हाँ क्लिप होता है, क्लचर जो आपके बाल को एकदम जब्त करके पकड़ के बांध के रखता है, और आपका वो सब भी होता है ना, आपका क्लच होता है, हेयर, अरे अच्छा लड़कों को, बाइक में क्लच से क्या करते हो, चलो बताओ, क्लच, क्लच
क्लच से क्या करते हैं, बालों को टाइट रखता है। हाँ, क्लच से क्या करते हैं, किसी क्लच से, क्लच, अब तुम मेरे चुंगल में हो, क्लच मतलब अब तुम मेरे क्लच में हो, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, चेंज करते हैं ना क्लच से, कंट्रोल में गाड़ी को रखते हैं, गियर वगैरह चेंज करते हैं, अब तुम स्पीड वगैरह कंट्रोल, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब तुम मेरे क्लच में हो, क्लच क्लच। और अरे हाँ, एक मैं वही बोल रही थी, जो बैग आप हाथ में लेकर चलते हो ना, उसको हम क्लच बोलते हैं। एक तो आप स्लिंग्स वगैरह, एक पर्स तो साइड में टांगते हो, और जो पर्स अपने हाथ में रखते हो उसको क्लच बोलते हैं। यस टोकियो, अब मुझे पता चल गया, पहले तो मैं टोकियो को बॉय मान रही थी, लेकिन अब टोकियो मुझे पता चल गया कि ये गर्ल है। हैंडबैग होते हैं, हाथ में क्लच रखते हैं। क्लच 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 मतलब आपके पकड़ में, वो हाथ में रखते, साइड में नहीं टांगते। टोकियो गर्ल है, टोकियो गर्ल है। बॉय को ना इतना नहीं पता है, बॉय को क्लच वाला, हैंडबैग वाला तो नहीं पता होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, बॉयज लोग को इतना नहीं पता होगा, पता है। अच्छा ओके, जापान के कैपिटल। हम ये सब हो गया, इजी इजी वाला हो गया, ठीक है, ये लिख लेना, दो वर्ड ऐड कर लेना। अब मैं रब कर रही हूँ, एक तो कॉन्फिस्केट, कौन फीस नहीं दिया है, कौन फीस नहीं दिया है, ठीक है, उसका सामान जब्त हो जाएगा। और फोरफीट, शेयर शेयर वगैरह को फोरफीट किया जाता है, ये करवा लेने दो। क्लच बता दिया है। अच्छा अब आप मुझे बताओगे, एनएक्स, एनएक्स एनएक्स का मतलब भी है ना, किसी एनएक्स जैसे किंग वगैरह ना, किसी राज्य को, किसी राज्य पे अपने जीत प्राप्त करके उसे अपने राज्य में जोड़ देते हैं। एनेक्सेशन वर्ड सुना होगा या एनेक्जर वर्ड सुना है, एनेक्जर, एनेक्जर्स मिलता है, एडिशन, ऐड करना, मतलब किसी चीज को कब्जा करके अपने राज्य में डाल लेना। या आपने हिस्ट्री में एनेक्सेशन वर्ड सुना होगा, एनेक्सेशन का मतलब भी है कोई भी चीज को कॉन्कर कर लेना, जीत के अपने एनेक्जर, अपने राज्य में जोड़ देना, अपने राज्य में जोड़ लेना, तो वो एनेक्स करना, कब्जा कर लेना। यू सर्व कैसे याद करोगे, इट्स 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 अस, इट्स नॉट योर, कैसे याद करोगे, यूज, यू सर्व को ऐसे भी यूज कर सकते हो, सर्व, यूज योर पावर, यूज योर पावर, अपने पावर को यूज करके और उसको अपने कब्जे में ले लो, उसको अपने कब्जे में ले लो, सर्व, हाँ, यूएसए का पावर। और ऐसे भी कर सकते हो, यू सर्व अस, योर, इट्स अस, ये हमारा है, इट्स नॉट योर, इट्स नॉट योर, ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है कि कब्जे में कर लेंगे, हमारा चीज को यू कैन नॉट टेक, आप कब्जे में नहीं कर सकते, यूएसएसआर। ऐसे ऐसे कुछ कुछ याद रखो ना, यू सर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू सर। कुछ और याद आ रहा तो बोल सकते हो, यूएसए हैज ऑलरेडी, तुम्हें सर्प की तरह पकड़ लूंगा। सर्प, सर्प का मतलब जानते हो ना, कुछ याद कर सकते हो, सर्प का मतलब होता है सांप, सांप ने उसे अपने चुंगल में ले लिया, सांप ने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ, यूएस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अच्छा कंट्रोल, यूज योर, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो ना, यूज यूज योर, यूज योर पावर, अपने पावर को यूज कर लो और सबको अपने कब्जे में कर लो। या आप लोग जो बोल रहे हैं ना, यूएसए, यूएसए अपना पावर, यू यू सर्व, यूएसए अपना पावर यूज करके सबको अपने कब्जे में रखा हुआ है, कर लोगे। यूएसएसआर हैज अनेक्स्ट मेनी कंट्रीज, अच्छा, यूज कर करके हड़प लिया, ये भी सही है, यूज कर करके, यूज कर करके हड़प लिया, यू सर हड़प लिया, यूज करके, पहले थोड़ा सा दिया यूज करने के लिए और लास्ट में तो उसने कब्जा ही कर लिया मेरे प्रॉपर्टी पे। हाँ ऐसे ही याद रहेगा। अरे हाँ, चाइना की तरह, ये सर वर्ड याद रखना। सब्जुगेट तो पता है, ओके, सब्जुगेट, सब्जुगेट, हाँ, सर्प ने कुंडली में ले लिया, अच्छा ठीक है, कब्जा कर लिया सर्प ने, वेरी गुड। सब्जुगेट कैसे याद रखोगे, सब्जुगेट किसी को अपने अधीन बना लेना, सब्जुगेट कॉन्कर कर लेना, सब, सब्जेक्ट पर वर्ब का कब्जा है, अच्छा अच्छा सब्जुगेट, वेरी गुड, सॉरी, सब्जुगेट कब्जा, सब्जेक्ट पर वर्ब का कब्जा है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, वेरी गुड। सब जजेस ने क्या किया, सब जुग में कैसे, सबके पास जुगाड़ है, तो सबके पास जुगाड़ है तो क्या है, कब्जा में है, टाइम हो गया है ना। A4 मैंने डाल दिया है कालीन भैया, A4 डाला हुआ है, जाके समुद्र मंथन 1 का देखो A4।
सबने गेट पर कब्जा कर लिया। अच्छा, सबने, सब जीव गेट, हाँ सब, सब्जेक्ट ने वर्ब पे कब्जा कर लिया, सबने गेट पे जाकर कब्जा कर लिया। ओके, सब गेट पर जाकर कब्जे में है। नहीं, एक एक बार देखो, ऐसे ऐसे नहीं बोलोगे ना, वो इतना इतना ज्यादा हो नहीं पाता। अभी मैंने पूरा वन वर्ड बच्चों के साथ मेंस में करवाया, अब सिर्फ टेस्ट में मिलेगा। फिर हमने इतने सारे मेंस में इडियम्स किए, अब इसका कंपाइलेशन जनवरी में होगा, जनवरी में होगा। ये हो गया, एक ये कर लेने दो। इम्पाउंड, इम्पाउंड करवाया है, उसने पाउंड नहीं दिया। एक तो इम्पाउंड का मतलब पनिशमेंट वाले सेंस में भी करवाया था। ओके, पाउंड, उसने पाउंड, पाउंड मतलब पैसे, पाउंड नहीं पे किए इसलिए उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाना भी क्या है, बंदी बनाना भी कब्जा ही करना है ना, जिसका मैंने इनकार्सरेट बताया था। इन कार में उसको बंदी बनाकर कब्जा कर कर ले गया गया, जब्त करके। तो ये हो गया, ये सब इम्पाउंड का मतलब भी है, कब्जा कर लेना। कमांडीर, ये जो कमांडर वगैरह है ना, ये आर्मी कमांडर ने जीत हासिल कर करके कब्जा कर लिया, कब्जा, कमांड कर करके, कमांड ऑर्डर दे दे के कब्जा कर लिया। ओके, हाईजैक तो पता है, हाईजैक करना, प्लेन को अपने कब्जे में ले लेना। और क्लेंच का मतलब क्या होता है, एकदम क्लेंच, वैसे क्लेंच का मतलब होता है ना, एकदम दांत दबाना, जैसे बहुत लोग की हैबिट होती है ना, दांत दबा दबा कर बात करते हैं, क्लेंच टीथ, तालिबान वाला वर्ड है, हाईजैक वाला, क्लेंच्ड, क्लेंच्ड टीथ का मतलब है, क्लेंच कर लेना, मतलब कोई भी चीज को एकदम दांत जब आप दबा के, जैसे कोई भी चीज पे ना बहुत एम्फसाइज कर करके, मतलब बहुत लोग की होती है ना, वो बहुत दांत दबा दबा के बात करते हैं। ओके, डेंटिलोक्वेंट होते हैं, हाँ डेंटिलोक्वेंट होते हैं, जो थोड़ा सा मतलब किसी पे दांत, दोनों दांत जब दबे हुए थे एक दूसरे के कब्जे में, डेंटिलोक्वेंट बोल लोग होते हैं। डेंटी क्वेश्चन हो गया है, अरे क्लेंच। और ये दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड है, एक वर्ड है एक्सप्रोप्रिएट, इसको कैसे याद करो, एक्सप्रोप्रिएट, इस वर्ड को याद रखना है। एक्सप्रोप्रिएट को मतलब भी होता है कब्जा कर लेना, उसकी एक्स ने, एक्स से तो इतना बन रहा है ना, उसकी एक्स ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ओके, एक्स पे बहुत सारे बने हुए हैं, एक्सप्रोप्रिएट, उसकी एक्स अप्रोप्रिएट नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया एक्स ने, प्रॉपरली काम नहीं किया गया, ऐसे भी बोल सकते हो, एक्सप्रोप्रिएट, प्रॉपरली, उसने प्रॉपरली काम नहीं किया इसलिए, प्रॉपरली सब काम नहीं किया, उसकी चीजें जब्त हो गई, जब्त कर लिया एक्स ने प्रॉपर्टी, हाँ। इतना सुन सुन कर भाग चली, अरे हम लोग याद करने के लिए कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि सब एक्स पे, अभी एक्स को एक पंच लगा देंगे, एक्स को एक पंच लगा दिया, बाहर फेंक दिया, फिर एक्स ने उसके प्रॉप, एक्स को एक, हाँ तो ऐसा करोगे ना, एक्स को एक पंच लगाकर बाहर कर दिया, तो इतना नहीं है कि एक्स शांत बैठेगी, दोबारा आकर उसकी एक्सप्रोप्रिएट कर दिया, प्रॉपर्टी पर ही कब्जा कर लिया। एक्स्ट्रा पेट, एक्स उसकी प्रॉपर्टी खा गई। और सिक्वेस्टर वर्ड याद रखो, इस वर्ड का दो मतलब है, वैसे इस वर्ड का सिक्वेस्टर और एक वर्ड है सिक्वेस्ट्रेट, दोनों का मतलब सेम ही, लेकिन मुझे इस वर्ड के बारे में दो चीज बताना। एक सिक्वेस्टर करना ना, किसी को आइसोलेट करना, आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अलग करना। एक इसका ये भी मतलब होता है, भाई टुमोरो इज माई ऑपरेशन, किस चीज का है सौरभ, जब डरा रहे हो, किस चीज का ऑपरेशन है, टुमोरो इज माई ऑपरेशन। सिक्वेस्टर, एक तो सिक्वेस्टर, भाई ऐसे ऐसे बोलोगे तो समझ में थोड़ी आएगा, टीएमजे डिसऑर्डर बताओ ये क्या है, टीएमजे डिसऑर्डर क्या है, ये ऐसे बोलोगे थोड़ी समझ में आएगा, व्हाट इज टीएमजे, टीएमसी, जॉइंट और मसल डिसऑर्डर है। ओके, तृणमूल कांग्रेस बोल रहे हैं, देखो एक टीएमसी बोल रहे हैं। एक तो आइसोलेट करना भी होता है, ठीक है, सिक्वेस्टर करना एकदम याद रखना, लेकिन अपने एग्जाम में देख लेना कि कभी कभी एक वर्ड का दो मतलब आता है। सिक्वेस्टर, एक सिक्वेस्टर करना मतलब आइसोलेट करना, किसी को अलग करना, और एक आइसोलेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, अलग भी तभी किया जाए ना, जब एक वर्ड होता है सीज, कब्जा भी होता है, किसी को आपने जब्त करके उसको अलग रखा जाता है, किसी को कब्जा करके उसको अलग रखा गया, उसको सीक्वेंस से बाहर हटा दिया गया।
इतने डाउट है सौरभ कि आपका कहाँ से मिलेगा। नहीं दिख रहे। मुझे तो नहीं दिख रहा है उनका। ये सब लिट्टी चोखा और वो सब इतना भेज दिया है। अच्छा एक मिनट, ओके कुछ तीत का है। अच्छा कुछ तीत का है। ओके चलो, विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी, जल्दी से ठीक हो जाओ। नाथ का है, बी स्ट्रांग भाई, वी आर विथ यू, गेट वेल सून। हाईजैक कर लिया। हाँ सिक्वेस्टर का दो वर्ड याद रखना, तो इसको याद रखना ही है। सिक्वेस्टर का दो मतलब है, एक तो आइसोलेट करना होता है और ये कब्जा करना होता है, एक कब्जा करना भी होता है, ठीक है। और वही सिक्वेस्ट्रेट, दोनों दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। तीत का नर्व सीधा दिमाग से जुड़ा होता है, ब्रेसी और तीत। चलो तो जाओ, आप टेस्ट दो, आप लोग अपना टेस्ट दो, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। इसको फिर मुझे अच्छे से समझाना होगा, इसका तो ये भी नहीं हुआ कब्जा करने का। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमम वर्ड्स अभी इसका कवर करूंगी, मेन वाला मैक्सिमम कवर करके वहां वाला खत्म करूं। ओके ओके, दे दिया है सिद्धांश, बताइए कितना मार्क्स आया है, कितने मार्क्स आए सिद्धांश? अच्छा अभी नहीं मिलेगा ना, अभी मार्क्स नहीं मिलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, 9:20 के बाद पता चलेगा। ओके चलो बाय एवरीवन।